what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आओ यार, से टॉपिक में बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लिया जाए कि हमारी ऑडियंस क्या कह रही है। सर, आप मैक्स लेवल का ग्लू वॉल कैसे लगाते हो? किंग हो ग्लू वॉल का और मेरा टट्टी की तरह। लव यू फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। लव यू भाई। तो आओ दूसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। भाई, आपका गेम प्ले गुड लेवल है। अगर आप हैंड कैम नहीं देते तो मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मोबाइल प्लेयर हो। तो भाई, मैं बता दूं यार कि मैं मोबाइल ही प्लेयर हूं भाई, मैं पीसी में नहीं खेलता, क्योंकि आप लोगों को कस्टम एचडी या फिर गेम प्ले देख के समझ जाना चाहिए कि मैं मोबाइल ही प्लेयर हूं। भाई प्लीज M1040 वीडियो लाओ। तो भाई आ चुकी है M1040 की वीडियो, आप जरूर देखना। गुड लेवल मूवमेंट, मैं तो आपका फैन हूं। तो थैंक यू ब्रदर। नेक्स्ट वीडियो योर कस्टम एचडी। तो ब्रदर, नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी कस्टम एचडी के टॉपिक के। एंड ऐसे बहुत सारे कमेंट है जो मुझे भाई लोग ने किया, तो उनके लिए सबके लिए भाई लोग थैंक यू। एंड ऑलमोस्ट ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए यार गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एंड यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं M1040 वन टैप हेडशॉट। एंड ऑलमोस्ट ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको M1040 से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर गाइस यार वो M1040 से वन टैप हेडशॉट मारने के लिए ट्राई तो करते हैं बट कहीं से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड यार वो इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाते। बट डोंट वरी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने वाला। तो चलिए गाइस यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। अब देखो यार, ऑलमोस्ट हर फ्री फायर प्लेयर तो M1040 नहीं चलाता है, बट ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिनकी फेवरेट M1040 भी है। बट गाइस यार, वो चलाते तो हैं बट उनका कभी भी इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट नहीं लगता। एंड यार कभी कभी 10 गोली में से एक गोली लग जाता है। तो सबसे पहले देखो यार, कभी भी गाइस यार अगर आप लोग अपने फ्रेंड से भी पूछोगे अगर M1040 चला रहा, तो कभी भी बोलेगा भाई यार ये तो गलती से लग जा रहा, ये तो हमारी मिस्टेक है भाई, ये तो ऐसे ही सामने बंदा आ गया, मैंने ड्रैग कर दिया, जस्ट लग गया। नो, आई एम टेलिंग यू। बट वो कभी भी आप लोगों को रियलिटी नहीं बताता है। तो लेकिन गाइस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं किस लिए हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखो यार, ऑलमोस्ट जो भी प्लेयर अगर यार M1040 चला रहा है, तो सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा कि आप लोग किस तरीके से चलाना है। एंड यार M1040 जैसा कि मैं बता दूं कि बहुत ही ज्यादा रिकॉइल, एंड यार उसका ऑलमोस्ट एम बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाता है, यानी कि गाइस यार जस्ट आप लोग देख सकते हो। अब देखो यार, इसी की वजह से ज्यादा बंदे लोग का फेवरेट ये M1040 नहीं होता, क्योंकि गाइस यार वो जब भी गाइस यार एम स्टॉक करते हैं, एंड उनकी गन जो एम स्टॉक होती है, यानी कि जस्ट गाइस यार एनिमी के बॉडी पे चिपक जाती है, देन इसी की वजह से वो बंदा कभी भी गाइस यार M1040 जल्दी नहीं चलाता है। हाँ, अगर बाय मिस्टेक अगर उसको लेना पड़ेगा M1040 तभी वो यूज करता है, बट गाइस यार कभी भी इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाता। एंड इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एम स्टॉक, यानी कि जस्ट यार आप लोग जब फायर करते हो तो एनिमी के बॉडी पे ही अब जाके एम चिपक जाता है, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में बता रहा हूं। अब देखो यार, इसको रोकने के लिए आप लोग इसको रोक भी सकते हो अपने एम स्टॉक को, जस्ट यार आप लोगों को कभी भी बॉडी पे नहीं चिपकेगा। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अब देखो यार, जस्ट यार एम स्टॉक को रोकने के लिए कभी भी गाइस यार आप लोगों को जस्ट अगर आप लोग वन टैप हेडशॉट ट्राई कर रहे हो, एंड एनिमी आप लोगों के क्लोज रेंज में या फिर मिड रेंज में भी, तो आप लोगों को जस्ट ट्राई करना है कि आप लोगों का एम हमेशा एनिमी के पैर के नीचे ही होना चाहिए। एंड यार अगर आप लोग एक परफेक्ट लेवल का एनिमी के पैर के नीचे रखते हो, एंड यार अगर आप लोग एक परफेक्ट लेवल पे अगर नहीं रखते हो अपने एम को, तो कभी भी गाइस यार आप लोगों का M1040 से वन टैप हेडशॉट नहीं लगेगा। तो कभी भी आप लोगों को ट्राई करना है एंड यार एनिमी के जस्ट पैर के नीचे ही रखना है। एंड देन यार जैसे ही आप लोग एक इजीली तरीके से रैक करोगे, तो आप लोगों का इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। अब देखो यार, जस्ट मैं इसको आप लोगों को बैकग्राउंड के हिसाब से अपने वीडियो में बता रहा हूँ। अब देखो यार, यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, सामने वाला एनिमी रन कर रहा है, एंड यार मेरे एम को अगर आप लोग इजीली तरीके से ऑब्जर्व करोगे, तो मेरे एम को देखना कि गाइस यार मेरा एम कहाँ रहता है। एंड ऑलमोस्ट अगर आप लोग हर वीडियो मेरी M1040 की या फिर कोई भी वन टैप हेडशॉट की वीडियो देखो, तो ऑलमोस्ट मेरा एम जो है एनिमी के हमेशा पैर के नीचे ही होता है, क्योंकि गाइस यार अब देखो यहाँ पे जस्ट मैंने पैर के नीचे रखा। एंड यार जस्ट आप लोगों को अपने एम को एनिमी के पास लेके जाना, एंड जस्ट आप लोगों को एनिमी के पैर के नीचे रखना, एंड देन ड्रैग करना है। एंड उसमें ड्रैग टेक्निक में आप लोग स्ट्रेट ड्रैग का भी यूज कर सकते हो, एंड रोटेशन ड्रैग का भी यूज कर सकते हो। एंड जैसे ही आप लोग एक स्ट्रेट ड्रैग भी करते हो, तो इजीली तरीके से आप लोगों को वन टैप हेडशॉट लग जाता है। एंड वहीं ऑलमोस्ट अगर आप लोग एक बॉडी पे रख के अपने एम को रिकॉइल अगर करने से रोक पाओगे, तो कभी भी गाइस यार आप लोगों का वन टैप हेडशॉट नहीं लगेगा, क्योंकि यार आप लोगों का सीधा एम जाके बॉडी पे ही चिपक जाएगा। तो आप लोगों को हमेशा गाइस यार जस्ट आप लोगों को एनिमी के पैर के नीचे ही रखना है। एंड वहीं मैं आप लोगों को अपनी दूसरी क्लिप में बता दूं, तो यहाँ पे जस्ट आप लोग दूसरी क्लिप में भी देख सकते हो कि जस्ट यार एनिमी सामने वाला सीधा रन कर रहा है, एंड देन मेरा एम देखना गाइस यार, मेरा एम जस्ट यार एनिमी के पैर के नीचे ही है। एंड मैंने जैसे ही इजीली तरीके से ड्रैग किया, इजीली तरीके से उसको वन टैप हेडशॉट लग गया। सो आई होप गाइस यार कि आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से M1040 को यूज करना है। बस गाइस यार, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।